हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं कि आप ट्रिपल सी या किसी भी गवर्नमेंट जॉब एग्जाम का फॉर्म घर बैठे कैसे भर सकते हैं कंप्यूटर से या मोबाइल फ़ोन की मदद से। दोस्तों, इन फॉर्म में जो सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट काम होता है, फोटो को रिसाइज करना होता है, थंब स्पेसिफिकेशन को चेंज करना होता है, साइन को चेंज करना है। फोटो रिसाइज करने का मतलब क्या होता है कि फोटो को 20 KB 50 KB के अंदर रखना होता है। इसके साथ साथ फोटो का DPI चेंज करना, उसी तरह अगर आप थंब स्पेसिफिकेशन पे आते हैं तो थंब स्पेसिफिकेशन को 20 KB के अंदर, जैसे ट्रिपल सी में 20 KB के अंदर होता है, इसी तरह हर फॉर्म का अलग अलग होता है, उसी तरह उसका भी DPI चेंज करना, उसी तरह साइन को भी 20 KB के अंदर रखना और उसका भी DPI चेंज करना, ये सब कुछ आज की वीडियो में हम आपको डिटेल से सिखाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इंटरेस्टिंग वीडियो। दोस्तों, जब भी आप गवर्नमेंट जॉब के फॉर्म भरें या ट्रिपल सी का फॉर्म भरें, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, चेक कर लेना है कि वहां पर फोटो का साइज क्या है, फोटो की हाइट विथ क्या है एंड फोटो की DPI क्या मांगी गई है। सेम उसी तरह आपको सिग्नेचर का भी पता कर लेना है, सिग्नेचर में हाइट क्या है, विथ क्या है, DPI क्या है, ये सब आपको पता कर लेना है। सेम आपको थंब स्पेसिफिकेशन का भी उसी तरह पता कर लेना है। इससे क्या होगा, जब आप पहले से इन सबको एडजस्ट कर रखें, मतलब फोटो आपके पास पहले से उसी साइज हाइट विथ में है, सेम उसी तरह आपके पास सिग्नेचर भी है, थंब स्पेसिफिकेशन, तो फॉर्म भरने में बहुत ज्यादा ईजी हो जाता है, बहुत ज्यादा समय भी नहीं लगता है। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि फोटो के साइज विथ और हाइट को आपको कैसे एडजस्ट करना है, DPI को भी कैसे कन्वर्ट करना है, ये सब कुछ आपको बता देते हैं। तो उसके लिए आ जाते हैं यहाँ पर हम गूगल क्रोम पर, और गूगल क्रोम पे आने के बाद यहाँ पर फोटो को रिसाइज करने के लिए सबसे पहले आपको टाइप करना है, इमेज रिसाइजर नाम की एक वेबसाइट आती है, आपको इस पर आ जाना है। IMG रिसाइजर आप लिखेंगे तो सबसे पहला ऑप्शन आपके सामने जो आता है इमेज रिसाइजर, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद पहला ऑप्शन आता है सेलेक्ट इमेज, आपको इमेज को यहाँ पर सेलेक्ट करना है। अब ये हमारे पास इमेज है जिसको यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर सबसे पहला क्या आता है, डायमेंशंस। तो डायमेंशन में यहाँ पर हमें जो करना है 132 करना है, 132 यहाँ पर करना है और यहाँ पर 170 रहने देना है। इसको यहाँ से हटा देते हैं। उसके बाद यहाँ पर आता है KB, कितने KB में आपको इसको कन्वर्ट करना है। तो हमें मान लीजिए यहाँ पर 35 KB में कन्वर्ट करना है। यहाँ पर ओरिजिनल लिखा है, हमें किस में कन्वर्ट करना है, यहाँ पर JPEG में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ JPEG सेलेक्ट कर लें। इसको ज़रूर यहाँ पर कन्वर्ट में सेलेक्ट कर लें कि आपको JPEG में कन्वर्ट करना है। और 35 KB करना है, यहाँ से हाइट और विथ अपनी डिफाइन कर दें। फिर बस आपको रिसाइज इमेज पर क्लिक कर देना है। आप मोबाइल में कर रहे हैं तब भी आपको सेम यही प्रोसेस करना है, कंप्यूटर पर कर रहे हैं तब भी सेम आपको यही प्रोसेस यहाँ पर यूज़ करना है। बस उसके बाद आपको इसको डाउनलोड करना है। इसको डाउनलोड कर लें यहाँ से। डाउनलोड करने के बाद अगर हम यहाँ पर आके देखें डाउनलोड्स में, इसको यहाँ पर डाउनलोड पर आते हैं, फ़ोटो पर आ जाएँ और यहाँ से राइट क्लिक करते हैं। राइट क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टीज़ पर आते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ में आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा साइज़ है 33.1 KB है। अगर हम डिटेल्स में और डिटेल्स देखें तो डायमेंशन में आप देख सकते हैं हाइट और विथ भी यहाँ पर विथ 132 170 मतलब 132 × 170 और DPI भी हमारा यहाँ पर सही आ रहा 98 है, जो हमारा 96 to 300 के बीच में फोटो का होना चाहिए। इसके साथ ही हम DPI कन्वर्ट करना भी आपको बताएंगे। मान लीजिए आप में DPI सही नहीं आ रहा तो आप कैसे कन्वर्ट करेंगे, वो भी हम यहाँ पर बताएंगे। अब जैसे एक बार आपने कर लिया, फिर मान लीजिए आपको साइन का करना है तो साइन का कैसे करें, साइन के लिए भी आपको सेम वही प्रोसेस यहाँ पर यूज़ करना है। फिर से आपको थोड़ा सा बैक करना है, सेलेक्ट इमेज वाले ऑप्शन पे जाना है, फिर यहाँ पर साइन पे आपको आना जाए, यहाँ पर इसको भी यहाँ से ओपन करें। ओपन करने के बाद यहाँ पर भी आपको ये करना है, लॉग स्पेस रेशियो को हटा देना है, यहाँ पर आपको यह करना है 170 लिखना है और यहाँ पर 132 आपको लिखना है। फिर आप नीचे आप यहाँ पर दें KB, तो हमें मान लीजिए यहाँ पर 16 KB में कन्वर्ट करना है। यहाँ पर सेव ऐसा इमेज ओरिजिनल है तो ओरिजिनल में नहीं हमें करना है, JPEG में कन्वर्ट करना है। फिर आप रिसाइज पर क्लिक करें, फिर यहाँ से आपको डाउनलोड पे बस जाना है। तो आप इसको भी डाउनलोड कर लें, यहाँ पर ये भी डाउनलोड हो गया। इसको भी अगर हम यहाँ से देखें तो आप देख सकते हैं डाउनलोड पर हमारा साइन भी आ गया, साइन के साथ साथ हमारी फ़ोटो भी यहाँ पर है। सेम इसी तरह आपको थंब स्पेसिफिकेशन को भी कर लेना है, उसको यहाँ पर हम नहीं बता रहे हैं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अब अगर आप यहाँ पर जो ब्लैक ब्लैक देख रहे हैं, आप चाहें तो इसको क्रॉप कर लें, पर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्रॉप ना करें तब भी इसमें कोई इशू नहीं आएगा। ये आपको इतना काम हो जाए, इतना काम करने के बाद आपको अब क्या करना है, DPI में कन्वर्ट करना है, मतलब DPI चेंज करना है। जैसे DPI मान लीजिए सही नहीं आ रहा तो उसको कैसे सही करें, तो उसके लिए यहाँ पर एक वेबसाइट आती है DPI कन्वर्ट के नाम पर, आपको यहाँ पर लिखना है DPI कन्वर्ट। अगर आप मोबाइल में कर रहे हैं तब भी सेम आपको यही प्रोसेस लिखना है, इस वेबसाइट पर यहाँ पर आ जाएगी, आपको DPI कन्वर्टर वाले ऑप्शन पर आ जाना है। यहाँ पर अभी आप देखें चेन DPI ऑफ माई इमेज लिखा है, तो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है 150 यहाँ पर रखें, जिससे फ़ोटो का, थंब स्पेसिफिकेशन का, उसके साथ साथ साइन का, तीनों का हमारा क्या है कि 200 के अंदर होना चाहिए, 200 के अंदर कर देते हैं। जैसे फ़ोटो में 300 है तब भी वहाँ पर 96 to 300 150 रख देते हैं, सही रहेगा।
मतलब पहला काम आपको क्या करना है, 150 पर क्लिक करना है। इस तरह में इस पर सिलेक्शन आ जाएगा। फिर आपको यहाँ पर जो इमेज पे जाना है, इमेज वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। अब जिसका भी आप यहाँ पर कन्वर्ट करना चाहते हैं उसको आप यहाँ से सेलेक्ट कर ले। अब हमारी फ़ोटोज़ कहाँ पर है, डाउनलोड पे है, तो हम डाउनलोड पे जैसे ये साइन है, हमने साइन को सेलेक्ट किया, ओपन किया। अब जैसे ही ओपन करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे सामने आ गया 150 के हिसाब से। एक बार चेक कर लेते हैं हम इसको यहाँ से, फिर से डाउनलोड वाले ऑप्शन पे आ जाते हैं। फिर से अगर हम यहाँ पर आएँ, प्रॉपर्टीज़ पे जाते हैं। प्रॉपर्टीज़ पे जाने के बाद आप देखें साइज़ में कोई चेंजेस नहीं हुआ हमारा। अगर हम DPI देखेंगे तो आप DPI देख सकते हैं यहाँ पर 150 है, जो हमारा सही से आ गया। तो कोई भी फॉर्म अगर आप भर रहे हैं तो इस तरह से आप DPI को वहाँ पर कन्वर्ट कर सकते हैं, फ़ोटो को रिसाइज़ कर सकते हैं, वो भी ऑनलाइन बिना साइबर कैफ़े जाए और अपने घर पर अपना मोबाइल से या अपने कंप्यूटर से बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। अब इसके बाद हमें जो फॉर्म भरना है, CCC का फॉर्म भरना है। CCC का फॉर्म भरने के लिए यहाँ पर आपको टाइप करना है student.nilet, ST यहाँ पर लिखें, .NILET student.nilet आपको लिखना है। फिर सबसे पहली वेबसाइट आपके सामने आ जाती है, गवर्नमेंटेड वेबसाइट nilet.gov.in, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये यहाँ पे इस तरह इंपॉर्टेंस लिखा रहता है, इसको यहाँ से हटा दें। हटाने के बाद आपको कहाँ पे जाना है, यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन का एक ऑप्शन दिया रहेगा, अप्लाई ऑनलाइन वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। अब हमें यहाँ पर जो फॉर्म भरना है CCC का भरना है, तो यहाँ पर कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट CCC सेलेक्ट कर लेंगे। नीचे यहाँ पर एक ऑप्शन डिक्लेरेशन आपको देता है, आप यहाँ पर ऐसे चेक का साइन लगाएं, ये कंपलसरी है आपको करना। फिर आई एग्री एंड प्रोसीड पर आप क्लिक करें। जैसे ही आप इतना कर लेते हैं CCC का फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाता है। सबसे पहले यहाँ पर क्या आता है कि आपने पहले CCC परीक्षा के लिए आवेदन किया था, अगर आपने किया था तो यस करें, नहीं किया था तो यहाँ पर नो पर सेलेक्ट रहने दें। सब मेरे यहाँ पर आता है एप्लीकेंट फुल नेम, जो भी आपका नाम है आप अपना यहाँ पर नाम लिखें, या मिस्टर श्री, या आपको स्टार्टिंग में सेलेक्ट करना रहता है जो भी आपका है, यहाँ पर आप नाम अपना लिख दें। केयर ऑफ अ देखभाल में माता पिता हैं या गार्जियन है जो भी आपका है वो यहाँ सेलेक्ट कर लें। फादर नेम अपने पिताजी का नाम यहाँ पर लिखना है। मदर नेम अपनी माता जी का नाम यहाँ पर लिखना है। जेंडर यहाँ पर जेंडर मेल फीमेल जिसमें भी आप हैं वो आप यहाँ सेलेक्ट कर लें। डेट ऑफ बर्थ जो भी डेट ऑफ बर्थ है आप यहाँ सेलेक्ट करें, यहाँ से आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है। जैसे मान लीजिए हमारी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर है 18/4/2001 है, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ से हम एक बार और क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे इसको पीछे आए, यहाँ पर 2001/18 पे आते हैं, तो 18/4 है ना यहाँ पर, तो अप्रैल के बाद यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे 18। तो आप देखें 18/4/2001 हमारे यहाँ पर आ गया। कैटेगरी कौन सी कैटेगरी में आते हैं, जनरल में आप आते हैं, अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, जिसमें भी आप आते हैं वो आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। जैसे हमारा जनरल है तो हमने जनरल सेलेक्ट कर लिया। वैसा है कोई ज़रूरी नहीं है कि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई ये सब सेलेक्ट करें, अन सेलेक्ट कर लें। डिसेबिलिटी अगर आपके पास है तो आप सेलेक्ट करें। EWS सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ लें। फ़ोन नंबर आप देना चाहते हैं दे सकते हैं, कंपलसरी नहीं है। मोबाइल नंबर देना कंपलसरी है, आप देखें जहाँ जहाँ स्टार का साइन बनाइए कंपलसरी। ईमेल एड्रेस आपको अपनी एक ईमेल आईडी यहाँ पर देना कंपलसरी है, ईमेल आईडी आपको देना ही देना है तभी आपका फॉर्म सबमिट होगा। एड्रेस लाइन जो भी एड्रेस आपका है वो आप सेलेक्ट कर लें। एड्रेस लाइन 1 और 2 आप देखें कंपलसरी है क्योंकि आगे ये स्टार का साइन बना है, तो ये कंपलसरी। 3 यहाँ पर कंपलसरी नहीं है। सिटी का नाम जैसे हमारे लखनऊ है तो यहाँ पर हम लखनऊ लिख देंगे। यहाँ पर राज कौन से राज से आप बिलोंग करते हैं, अगर आपका उत्तर प्रदेश है तो आप यहाँ पर यू ढूंढें तो आपको मिल जाएगा उत्तर प्रदेश सही, तो आप यहाँ से उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप यू को ढूंढेंगे यहाँ पर तो आपको उत्तर प्रदेश राज यहाँ पर मिल जाएगा। अगर हम यहाँ से देखें एक बार, अंडमान निकोबार हिमाचल प्रदेश लोक प्रदेश, इसके बाद यहाँ पर आएँ ये उत्तर प्रदेश यहाँ से मिल जाएगा। फिर यहाँ पर आता है डिस्ट्रिक्ट, कौन सा ज़िला आप यहाँ पर चाहते हैं। अगर आपको लखनऊ हुआ कि नहीं, अब यहाँ पर लखनऊ हमें ढूंढना है तो लखनऊ यहाँ पर देख लेते हैं। अलीगढ़ है, अमेठी है, अयोध्या है, बस्ती है, देवरिया है, इटावा है, तो लखनऊ सेलेक्ट कर लेंगे। पिन कोड जो भी आपका पिन कोड है पिन कोड सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर हायर आपके पास क्या एजुकेशन है, आप ग्रेजुएशन है या आप बिलो 10 पास हैं, जो भी आपका है वो आप यहाँ सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद किसी परीक्षा के लिए आवेदन तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लें एवरी मंथ सेल के। फिर यहाँ पर आता है जुलाई के लिए आप अप्लाई करें, जिस मंथ के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। परीक्षा केंद्र में लखनऊ जो भी पहला नाम आप देते हैं ज़्यादातर सेंटर वहीं पर जाता है। फिर यहाँ पे आपको इस पर क्लिक करना है और फोटो वगैरह भी आपको सेलेक्ट कर लेना है। फ़ोटोज़ के लिए यहाँ पर ऑप्शन आएगा, डाउनलोड्स में जो फ़ोटो थी उनको आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करेंगे तो बस फ़ोटो हमारी यहाँ पर शो होना स्टार्ट हो जाएगी।
उसके बाद इन सबको यहाँ सेलेक्ट कर लें। यहाँ पर जो कैप्चा है कैप्चा फिल कर देना है, यहाँ पर टिक लगा के बस सबमिट कर देना है, आप ट्रिपल सी फॉर्म भर सकते हैं। और इस तरह से आपका ट्रिपल सी फॉर्म का जो पहला प्रोसेस होगा फिर वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपको क्या करना रहता है, यहाँ पर दूसरा यहाँ पर आता है, आपको पेमेंट करना रहता है, आपको अपना पेमेंट कर देना है। जो यहाँ पर फीस आती है 590 रुपये, वो फीस आपको पेमेंट कर देना है, बस आप ट्रिपल सी फॉर्म भर जाएगा। और जब आप पेपर डेट आपकी आएगी, एग्जामिनेशन आपके साथ होगा, तो आपके पास एक मैसेज आएगा जिसमें लिखा रहेगा कि आपका पेपर किस डेट में है, किस समय है, सब कुछ वहाँ पर आ जाता है। एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर लीजिएगा सेम इसी वेबसाइट पर आके, तो इस तरह से ट्रिपल सी फॉर्म कम्प्लीट हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा आज की वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करना, हमारे वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ जो ट्रिपल सी फॉर्म भरना चाहते हैं, ट्रिपल सी करना चाहते हैं, जिससे वो बिना साइबर कैफे जाए घर बैठे अपना ट्रिपल सी का फॉर्म भर पाएं। और इसके साथ ही अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।